हेलो, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अमेजेस ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो अमेजेस ग्रुप में सबसे पहली कमांड है पिक्चर की। तो पिक्चर में हम यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाएंगे। न्यू स्लाइड पे जाने के बाद ब्लैंक ये स्लाइड यहाँ पे लेंगे, ये ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट टैब के अमेजेस ग्रुप के पिक्चर कमांड में जाएंगे। पिक्चर कमांड में जाने के बाद ये यहाँ पे पिक्चरें आ जाएंगी। जो भी पिक्चर हमें इंसर्ट करनी है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ये पिक्चर हमने ली यहाँ पे और इसको इंसर्ट किया तो ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार जितने भी पिक्चर हमें चाहिए वो पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, इसका साइज़ बढ़ाए या कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है इंसर्ट पे ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर पे जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे अमेज सर्च, यहाँ पे हम कौन सी पिक्चर चाहिए वो यहाँ पे भरेंगे। जैसे फ्लावर, ये हमने यहाँ पे सर्च की तो ये फ्लावर की यहाँ पे सर्च होके आ जाएंगी। तो इसमें जो भी पिक्चर हमें चाहिए वो पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये देखो, जो ऑनलाइन जो भी पिक्चर हमें चाहिए उस पिक्चर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और वही पिक्चर यहाँ पे हमारे इसमें स्लाइड में आ जाएगी। ये हमारे पास बहुत सी यहाँ पे पिक्चरें हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको इंसर्ट किया तो ये देखो इंसर्ट करने के बाद ये पिक्चर हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे ये पिक्चर बन के आ जाएगी। तो ऑनलाइन भी हम अपनी स्लाइड में पिक्चर को ला सकते हैं। अगर इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो हम यहाँ से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो ये पिक्चर हमने जैसे भी इसको कम या ज़्यादा करना है या उठा के यहाँ पे रखनी है तो हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पिक्चर भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे स्लाइड लेंगे, ये ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद जो अगली कमांड है हमारी स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट क्या होता है इसको करेंगे। तो स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब कौन सा चाहिए, जैसे ये स्क्रीनशॉट हमें चाहिए तो हम इसको यहाँ पे, जैसे ये हमने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इतना सा स्क्रीनशॉट लिया और ये स्क्रीनशॉट हमारे इस स्लाइड में आ जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, और इसको अगर रोटेट करना है तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से घुमा के ऐसे। ये स्क्रीनशॉट है। तो इस प्रकार हम स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अपनी स्लाइड में लगा सकते हैं। इसके बाद अगली कमांड को करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद फिर से हम न्यू स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक लेआउट पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद ये ब्लैंक लेआउट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम अगली कमांड को करेंगे फ़ोटो एल्बम। तो फ़ोटो एल्बम क्या होती है इसको करने के लिए हम यहाँ पे फ़ोटो एल्बम बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मोर बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू फ़ोटो एल्बम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल और डिस्क यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो कौन कौन सी चाहिए, जैसे फ़ोटो एल्बम बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये चाहिए, बहुत सी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम
कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद ये फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये फ़ोटो सिलेक्ट की, उसके बाद ये फ़ोटो सिलेक्ट की, ये की, ये की, तो जो जो फ़ोटो हमें चाहिए वो फ़ोटो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे इतनी सी फ़ोटो हमने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हमारी फ़ोटो आ जाएंगी। जैसे ये देखो यहाँ पे 6 फ़ोटो यहाँ पे आ गए। ये फ़ोटो आने के बाद ये जैसे फ्लावर 2, ये फ्लावर 4, अगर ये फ्लावर 2 ये जो है ये हमने कहाँ पे सेट करनी है, नीचे सबसे नीचे यहाँ पे सेट करनी है फ़ोटो। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लावर 2 यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये डाउन एरो बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो फ्लावर 2 हमें सबसे नीचे सेट करनी है, ये यहाँ पे आ जाएगी फ्लावर 2। तो इस प्रकार अगर कोई ये इमेजेस 14 ये ऊपर ले जानी है पहले नंबर पे, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे इमेज 14 और इसको सबसे टॉप में रखना है, तो हम ये बटन प्रेस करेंगे। ये देखो ये ऊपर चलेगी तो ये इमेज 14 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ये फ़ोटो को। इसके बाद ये हमारी जैसे कलर में फ़ोटो है, अगर हम ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटो एल्बम बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो जो हमारी एल्बम भी यहाँ पे बन के आ जाएगी वो ब्लैक एंड वाइट में आएगी। अगर कलर में चाहिए तो हम इनको इस ये जो चेक किया हुआ है इसको अनचेक कर देंगे। ये देखो यहाँ से हट जाएगा तो ये कलर में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ से ब्लैक एंड वाइट या कलर में कर सकते हैं। यह इसको करने के बाद जैसे ये नीचे हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सेटिंग है, ये सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें कोई हटानी है तो हम यहाँ पे जैसे ये इमेज 13 हटानी है तो हम रिमूव पे क्लिक करेंगे। तो रिमूव पे क्लिक करने के बाद ये इमेज जो है हट जाएगी। तो हम यहाँ से कोई भी यहाँ पे जैसे फ़ोटो ली हुई है उसको अगर हमें हटाना है तो उस फ़ोटो के ऊपर हमने चेक करना है, चेक करके उसको रिमूव कर देना है तो वो फ़ोटो वहाँ से हट जाएगी। इसके बाद नीचे है यहाँ पे पिक्चर लेआउट, जब ये फ़ोटो एल्बम रेडी होके आए तो ये फिट टू स्लाइड में आए, या यहाँ से और भी ऑप्शन है वन पिक्चर में आए, या टू पिक्चर में आए, या फोर पिक्चर में आए। तो ये जितने भी हैं हमारे पास स्टाइल हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट स्लाइड ये फिट टू स्लाइड इस ऑप्शन को लेंगे। ये सिलेक्ट किया कि ये जो है स्लाइड में फिट हो जाए ये जो फ़ोटो है जितनी। इसके बाद ये ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे फ्रेम शेप, या ये ऑप्शन नहीं लेना है तो बहुत से ऑप्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसे एक यहाँ पे चाहिए वन पिक्चर, एक पिक्चर, तो ये प्रीव्यू यहाँ पे बता रहा है कि इस हिसाब से वन पिक्चर आएगी। तो ये रेक्टेंगल में है तो यहाँ से ऑप्शन, अगर राउंडेड रेक्टेंगल में चाहिए तो ये देखो ये राउंडेड रेक्टेंगल में आ जाएगी ये जो हमारी शेप है। अगर और स्टाइल में चाहिए ये इसमें चाहिए तो इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत से ये स्टाइल पड़े हुए हैं जिसमें चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल इसमें चाहिए तो इसमें आ जाएगी ये पिक्चर। इसके बाद ये आने के बाद अगर थीम चेंज करना है तो हम यहाँ से थीम भी चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ से ब्राउज़ किया, ब्राउज़ करने के बाद नहीं ये थीम हमने सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे गए, सेलेक्ट करने के बाद ये थीम यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद हम क्या करेंगे इसको यहाँ से क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये जो हमारी फ़ोटो एल्बम है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद ये देखो नीचे आ जाएगा यहाँ पे बटन आ जाएंगे। तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, या क्लिक करेंगे तो ये देखो ये फ़ोटो एल्बम यहाँ पे बन के आ जाएगी।
ये वन पिक्चर है, अगर दो पिक्चरें चाहिए, दो पिक्चर के एल्बम चाहिए तो वो भी हम आगे करेंगे। ये देखो ये पिक्चर एल्बम यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो इस प्रकार हम ये पिक्चर एल्बम बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये दो फोटो एक साथ आए, इसके जो एल्बम है बन के आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे फोटो एल्बम मोर बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट फोटो एल्बम, इसको एडिट करना है तो हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये वन पिक्चर, एक पिक्चर आनी चाहिए वो लिया था ऑप्शन। अब क्या है कि जब हम इसको स्लाइड शो करें तो दो पिक्चर हमारे पास देखने को आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर की जगह यहाँ पे टू पिक्चर, टू पिक्चर भी ले सकते हैं। ये देखो जैसे प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा तो ये दो पिक्चर आएंगी। अगर यहाँ पे फोर पिक्चर तो फोर आएंगी। अगर वन पिक्चर विद टाइटल, एक पिक्चर और उसके साथ में क्या टाइटल आए, तो ये भी आ सकता है। या दो पिक्चरें आए और विद टाइटल, जैसे इस ऑप्शन को लेते हैं विद टाइटल, टू पिक्चर विद टाइटल इसको लेते हैं। ये टाइटल के लिए है और ये दो पिक्चर के लिए है। और यहाँ पे राउंडेड रिक्टेंगल में लेना है या और सिंपल फ्रेम वाइट या इसमें लेना है। तो अगर इस ऑप्शन को हम लेंगे और यहाँ पे थीम इसको भी चेंज करेंगे, तो थीम यहाँ पे बहुत सी थीम है, ये जैसे यहाँ पे स्लाइस का थीम लिया ये, और इसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, फिर हमने अपडेट करना है, तो ये अपडेट हो जाएगा। ये देखो अपडेट किया, अपडेट होने के बाद ये देखो इसका जो थीम है ये भी चेंज हो गया है यहाँ पे। ये तो अब देखना है कि दो टू पिक्चर यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बटन पे जाएंगे, क्लिक किया, ये देखो टू पिक्चर आ रही है ये, और ये जो हमारी फ्रेम है ये देखो ये भी चेंज हो गई है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट किया, ये भी यहाँ पे आ गया, और नेक्स्ट किया ये देखो। तो इस प्रकार ये हम टू पिक्चर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर फोर पिक्चर लगानी है वो भी हम यहाँ पे अपनी फ़ोटो एल्बम पे लगा सकते हैं। तो अगर बैक किया, ये देखो बैक हो रही है ये, तो इस प्रकार से हम इसको फ़ोटो एल्बम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फ़ोटो एल्बम को कैसे क्रिएट किया जाता है और उसको कैसे अपडेट किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।